बहरहाल पेट्रोल डीजल के दामों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनमें आग लगी हुई है। हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग बढ़ रहे हैं, आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, 35 पैसे की ये बढ़ोतरी हुई है। और इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल बढ़कर 107 रुपये 94 पैसे, तो वहीं डीजल 96 रुपये 67 पैसे हो गया। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत है 104 रुपये 54 पैसे और डीजल की कीमत है 96 रुपये 78 पैसे। तो पिछले कई दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। अगर आप पूरे इस साल के आंकड़े को देख लें पेट्रोल और डीजल के, तो तकरीबन 23 रुपये से ज्यादा, यानी इन 10 महीनों में तकरीबन 23 रुपये से ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है, क्योंकि पैसे 30 पैसे 35 पैसे करके लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब आज फिर एक बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। हमारे साथ शिवराज साहू जुड़ रहे हैं। शिवराज, एक बार फिर पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दामों में बढ़ोतरी की गई, आम आदमी क्या सोच रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर आम आदमी के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस चीज को लेके एक आक्रोश भी है कि लगातार जो कीमत है पेट्रोल और डीजल की बढ़ाई जा रही है, क्योंकि अगर पिछले एक साल के आंकड़ों में बात किया जाए तो तकरीबन 26 रुपये बढ़ चुके हैं। एक साल के अंदर जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं तकरीबन 26 रुपये बढ़ाई जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसका जो बजट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। जो लगातार 30 पैसे 35 पैसे घटता है तो 10 पैसे 15 पैसे, बढ़ता है तो 30 पैसे 50 पैसे, इस तरह से जो बढ़ोतरी की जा रही है पेट्रोल की कीमतों में वो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए गुस्सा का कारण बना हुआ है। जी शिवराज, आपका जुड़ने के लिए बेहद धन्यवाद। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ ही इस साल पेट्रोल की जो कीमत है वो 23 रुपये से ज्यादा बढ़ चुकी है 10 महीनों में।